नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। संसद सुरक्षा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आरोपियों के फोन के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। नागौर से सभी आरोपियों के फोन के पार्ट्स बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बरामद किए पार्ट्स। ललित झा की निशानदेही पर जली हालत में सभी फोन बरामद किए गए हैं। संसद में जाने से पहले ललित झा के पास जमा किए गए थे फोन। राजस्थान के नागौर में ही फोन तोड़कर जलाए गए थे। जले हुए मोबाइल के अवशेष बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने फोन जमा करने की बात कबूली थी। संसद के बाहर ही ललित झा के पास जमा किए गए थे फोन। ललित झा ने पहले सभी फोन तोड़े, फिर नागौर में उन पर आग लगाई। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आई है। नागौर से मिले सभी आरोपियों के फोन के पार्ट्स संसद के बाहर ही ललित के पास जमा किए गए थे। ये फोन ललित ने पहले सभी फोन तोड़े, फिर नागौर में इनको आग के हवाले कर दिया गया और जले हुए फोन के अवशेष जो है वो बरामद किए गए। उसकी भी तस्वीर हम आपको बता रही है। देखिए, संसद में हुए इस कांड की लगातार कई तस्वीरें निकलकर सामने आई है। अभी और कितने राज सामने आने हैं, इस पर भी नजरें रहेंगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक जो है ये जले हुए मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने फोन जमा करने की बात कबूली थी। आरोपियों का ये कहना था कि साफ तौर पर जब वो अंदर गए थे तो बाहर जो उनके सहयोगी ललित झा, जो इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके पास फोन जमा कराए गए थे। ललित उसके बाद वहां से फरार हो गया था। ललित उसके बाद राजस्थान के नागौर पहुंचा था, जहां पर उसने पहले फोन तोड़े, उसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके के कोई भी सबूत उन्हें इन फोन के जरिए ना मिल सके। अभी और कितने राज ये फोन खोलेंगे, क्योंकि क्या इनसे कुछ रिकवर किया जा सकता है। हालांकि ये तो जल गई है फोन, लेकिन इसके बाद भी टीम जो है अब और भी सारे सवाल पूछे कि आगे फोन को क्यों जलाया गया, फोन में ऐसा क्या था जो पता लग जाता। इन सभी सवालों पर अब पुलिस आगे जांच करेगी। तो संसद कांड में राजस्थान कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने मामले में नागौर के महेश कुमावत को गिरफ्तार किया है। महेश को लेकर पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। संसद कांड का राजस्थान कनेक्शन। 7 दिन की रिमांड पर नागौर का महेश। हर मीटिंग में मौजूद रहता था महेश। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में छठे आरोपी महेश कुमावत को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि वो भी पूरी साजिश का हिस्सा था। घंटों चली पूछताछ के बाद महेश की गिरफ्तारी की गई। आरोपी राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है और वो भी 13 दिसंबर को घटना वाले दिन दिल्ली आया था। साल 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले की बरसी पर बुधवार को एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया था, जब दो व्यक्ति शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा के अंदर कूद गए और केन से पीले रंग का धुआं छोड़ा। घटना के तत्काल बाद दोनों को पकड़ लिया गया था। लगभग उसी समय संसद भवन के बाहर अमोल शिंदे और नीलम देवी ने केन से लाल और पीले रंग का धुआं फैलाते हुए तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। पुलिस ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजस्थान में महेश के ठिकाने पर ही मुख्य साजिशकर्ता ललित झा घटना के बाद दिल्ली से भाग गया था। महेश और ललित पर सभी मोबाइल नष्ट करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी महेश को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि 2 साल से इस पूरे मामले में साजिश चल रही थी और जितनी भी मीटिंग इस मामले को लेकर हुई उन मामलों में आरोपी महेश शामिल रहता था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी महेश सभी आरोपियों से 2 साल से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने कहा कि आरोपी महेश ने ललित के साथ मिलकर मोबाइल नष्ट किए। उन तमाम जगहों पर इनको लेकर जाना है और इस पूरी साजिश का पता लगाना है। फिलहाल संसद सुरक्षा चूक केस में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब देखना होगा कि पूछताछ में आरोपियों से और क्या खुलासे होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं पंजाब में ड्रग्स भेजने की एक और साजिश नाकाम हुई है। अमृतसर से चीन में बना ड्रोन बरामद किया गया है। बरामद ड्रोन से एक संदिग्ध पैकेट भी जब्त किया गया है। पंजाब पुलिस और बीएसएफ का संयुक्त ऑपरेशन, ये एक बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हुई है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और सीमा पर लगातार जो गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं। और अब जो है एक ड्रोन बरामद किया गया है।
एक संदिग्ध पैकेट भी इस ड्रोन से जब्त किया गया है। पंजाब पुलिस और बीएसएफ का इस संयुक्त ऑपरेशन अमृतसर पंजाब ड्रग्स भेजने की एक और साजिश नाकाम। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, एक बार फिर सीमा पार से आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की फराक में है। खुफिया एजेंसियों ने सूचना मिलने के बाद बीएसएफ ने अलर्ट कर दिया गया है। बीएसएफ के एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि पाक सीमा से लगभग 250 से 300 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की फिराक में है। सीमा पार लॉन्च पैड पर ये आतंकवादी मौजूद है। अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है, सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश भी नाकाम कर देंगे। और बीएसएफ के महानिरीक्षक अशोक यादव ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि खुफिया जानकारी है कि 250 से 300 आतंकवादी लॉन्च पैड पर इंतजार कर रहे। ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, लॉन्चिंग पैड पे टेररिस्ट हैं, उनकी कोशिश रहेगी कि वो सर्दियां शुरू होने से पहले कुछ अटेम्प्ट करें, लेकिन जिस तरह से हमारे सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल और आर्मी एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, हम किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए तैयार हैं। तो ये महादेव ऐप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देंगे। महादेव ऐप का आरोपी गिरफ्तार, नोएडा से गिरफ्तार किया गया हिमांशु और गैंगस्टर एक्ट में फरार था हिमांशु। 400 करोड़ की ठगी में था शामिल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐप के जरिए करते थे ठगी। दुबई, सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग तक फैला है जालसाजों का ये पूरा नेटवर्क। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐप के जरिए ठगी किया करते थे। दुबई, सिंगापुर, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग तक इनका नेटवर्क फैला हुआ है। नोएडा से गिरफ्तारी की गई है आरोपी की। आरोपी का नाम हिमांशु है, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभी तक महादेव ऐप में कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, गैंगस्टर एक्ट में फरार था हिमांशु। ये बड़ी खबर आपको दे रही है। दरअसल महादेव ऐप को लेकर जो विवाद सामने आया था, इसमें तमाम बड़े लोगों का नाम भी निकलकर सामने आया था, बड़ी हस्तियां जिनसे पूछताछ भी की गई थी। और ये मामला जो है वो काफी सुर्खियों में रहा था। चुनाव से पहले हमने देखा था कि महादेव ऐप को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष वार पलटवार भी करते हुए नजर आए थे। और ऐसे में इस मामले में गिरफ्तारी जो है वो हिमांशु की हुई है। गैंगस्टर एक्ट में फरार चला था ये हिमांशु, 400 करोड़ की ठगी में ये शामिल था। ऋषिकेश में साल 2018 में तकनीकी खामियों को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था और इसी के पास बजरंग सेतु का निर्माण शुरू हुआ, जिसे 2023 में बनकर पूरा होना था, लेकिन लेट लतीफी के चलते वो अभी तक नहीं बन पाया है। लक्ष्मण झूला पुल बंद होने से यहां पर विदेशी पर्यटकों के साथ साथ लोकल पर्यटकों का आना जाना भी बंद हो गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव ने भी बजरंग पुल का निरीक्षण की और कार्यदायी संस्था को लेट लतीफी के लिए फटकार लगाई। इसके साथ पुल निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। विश्व का सैलानी तो बहुत आता था वहां पे, विश्व के सैलानी के अलावा जो है हिंदुस्तानी भी बहुत आते हैं, सारे सबका क्रेज जो है लक्ष्मी झूला की तरफ ही है। लेकिन अब जो है ना तो विदेशी लोग आ रहे हैं और ना ही इंडियन लोग ज्यादा आ रहे हैं, और धीरे धीरे करके जैसे सबको लोगों को पता लग रहा है वैसे वैसे ये लोग और कम होते जा रहे हैं। इस सब तरह से करके 24 घंटे अगर काम चलेगा तो हम लोग उसको टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जो शेड्यूल उन्होंने दिया है वो जुलाई तक का शेड्यूल है कि मार्च तक ये लोग डेक वगैरह बना देंगे, उसके बाद जुलाई तक ये लोग ट्रैफिक के लिए खोल रहे हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करें, और जो टाइम शेड्यूल है डे टू डे वाला जो शेड्यूल है उसमें डिले नहीं हो किसी तरीके का। दिसंबर का आधा महीना बीतने के बाद ठिठुरन वाली ठंड शुरू हो गई है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। देश के अधिकतर राज्यों के तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लगातार बर्फबारी जारी है, यहां तापमान -2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीनगर में तापमान -1.3 डिग्री दर्ज किया गया है और IMD ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 2 दिन और बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
Definitely, it's a wonderful place to visit. When we arrived here in the early morning, there was no snow, but we were expecting, we were praying to Almighty ki snow ho, and certainly snowfall ho gaya and it's all white here. And my message would be that it's such a peaceful place, it's a wonderful place to visit, and do visit here once. So it will be a wonderful and lifetime experience. हमें तो लगा था कि snow forecast के हिसाब से नहीं होगा, तो we were thinking कि पता नहीं होगा, live snow देखने मिलेगा नहीं मिलेगा, but हम लोग जैसे ही गुलमर्ग घुसे तो स्नो फॉल होना स्टार्ट हो गया, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। कल तो पूरा यहाँ पे पूरा बिल्कुल अच्छा मौसम था, सूखा था, और अचानक ये बर्फबारी हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक नहीं चल पड़ी, यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हैं, इसलिए अभी एडमिशन ने बोला है कि थोड़ा हम रोड को क्लियर करेंगे तो गाड़ियाँ नीचे जा सकती हैं। टूरिस्ट के लिए तो काफ़ी अच्छा हुआ कि बहुत लोग आते हैं, काफ़ी दूर से पूरे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर जो ये बर्फ़ हो गई उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन लोकल्स के लिए बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं रहा, क्योंकि जैसे कि मैं खुद कल शाम को आया था 12:30 के आसपास, तो हमें फिर वापस जाने नहीं दिया। और धौलपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, घने कोहरे के कारण सड़क पर भिड़े 3 वाहन, ट्रक, मैक्स और बाइक की हुई भिड़ंत, हादसे में 3 लोग हुए घायल, घायलों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। सैपोई थाना इलाके के हाईवे 130 पर कुम्हेरी प्याऊ के पास की पूरी घटना है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार को रोक कर रख दिया है, कोहरे की वजह से आवागमन करने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में सड़क हादसों को न्योता देता यह कोहरा भी नजर आ रहा है। घटना एक हुई है जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, ये भी एक बड़ा सड़क हादसा रहा, आपको बता दें आप गाड़ियों की स्थिति भी देख सकते हैं, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईवे 123 पर कुम्हेरी प्याऊ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, भीलवाड़ा में हरणी महादेव रोड पर स्मृति वन के बाहर सर्दी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं। हम आपको एक ऐसे फूड कार्ट के बारे में बताएंगे जहां सिर्फ सर्दी खास जूस ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए खास अंकुरित चाट भी दी जाती है। यहां पर सर्दियों के लिए खास हांडी सूप भी ठंड भगाने के लिए तैयार है। सर्दी लोग भाग अपनी सेहत पे इस मौसम पे पूरी तरह ध्यान देते हैं, हरी सब्जियों का, वेजिटेबल्स का, सलाद का ज्यादा लोग भाग खाते हैं उन चीजों को। आप जैसे कि देख सकते हैं हम खड़े हैं स्मृति वन के बाहर, और लगातार यहाँ पर 15 सालों से एक कार्ट लगाई जाती है जिसमें जूस दिए जाते हैं, गाजर का जूस, आंवले का जूस, चकंदर का जूस, और कहीं ना कहीं जो अंकुरित अन्न होता है उसको भी दिया जाता है। आप जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे इस तरफ कि एक छोटा बच्चा भी स्कूल जाने से पहले यहाँ पर जूस पी के फिर स्कूल की तरफ जा रहा था, कि जैसे कि सोच सकते हैं कितनी अवेयरनेस है। और सबसे बड़ी जो खासियत है इस कार्ट के अंदर ये है कि सर्दी के लिए एक स्पेशल सूप बनाया जाता है जो कि इस काली हांडी में बनाया जाता है, पूरे ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाता है ताकि लोगों को ठंड का एहसास ना हो, सर्दी जुकाम ना हो। अगर आप बर्फ में फिसलने के शौकीन हैं या आप स्केटिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो चले आइए विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में, जहां स्केटिंग की तैयारी जोरों पर है। पच्चीसों फीट की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड का सबसे मशहूर पर्यटक स्थल औली है, जहां बर्फबारी के बाद नजारे काफी खूबसूरत हो गए हैं, और बर्फबारी होते ही स्कीइंग खेलों की उम्मीद भी बढ़ जाती है। 1350 मीटर लंबे स्कीइंग स्लो पर स्की करना हर एक स्कीइंग खिलाड़ी का सपना होता है, ऐसे में खिलाड़ियों को उम्मीद है कि औली में इस बार स्कीइंग खेलों का आयोजन जरूर होगा। खिलाड़ी लोग भी काफी खुश है क्योंकि बर्फ इस बार समय पे गिर चुकी है, और अभी सारे लोग, अभी जो हमारे एथलीट है, प्लेयर हैं, ये अभी अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाले समय में जो नेशनल गेम होंगे। लास्ट ईयर तो थोड़ा दरार वगैरह आ गई थी, तो इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया था गेम वगैरह, बट इस बार उम्मीद है कि अच्छा गेम होंगे, अच्छे से मेडल आएगा उत्तराखंड के लिए। ओली में इस बार इंडियन ओलंपिक संघ के द्वारा 2 फेस रेस, नेशनल स्कीइंग के साथ साथ माउंट ट्रेनिंग स्कीइंग खेल प्रस्तावित है, जो जनवरी और फरवरी महीने में हो सकते हैं। अगर बर्फबारी हुई तो जनवरी महीने में भी इन खेलों का आयोजन हो सकता है, जिसकी तैयारी ओलंपिक संघ कर रहा है।
पूरी बर्फ होती है, जनवरी या फरवरी में ये इवेंट यहाँ पे होंगे। और इस बार यहाँ पे सीनियर अल्पाइन इसकी रेसेस होनी है, इसके साथ नॉर्डिक स्नोबोर्डिंग और एक नया इवेंट है इसकी माउंटेनियरिंग, वो भी इस बार ओली में आयोजन होगा। जी इसमें कितना स्नोफॉल होता है इस पे निर्भर करता है। ओली में गढ़वाल मंडल विकास नगर के द्वारा स्थानीय खिलाड़ियों के लिए विदेश से भी स्कीइंग के लिए स्की मंगाई गई है जो आधुनिक तकनीक से लैस है। हालांकि इसकी हर साल नए नए तरीके से तैयार की जाती है, लेकिन फिलहाल ओली में जापान, स्विट्जरलैंड, रूस जैसे देशों से स्की मंगाई गई है। ओली पर मौसम मेहरबान रहा तो ओली में स्कीइंग का रोमांस भी बढ़ेगा। देशों दुनिया से स्कीइंग खिलाड़ी ओली पहुंचेंगे, जिससे पर्यटक स्थल पर रौनक भी बढ़ेगी और स्थानीय कारोबारी को फायदा भी होगा। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। तो पीएम मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, सूरत डायमंड बोर्ड्स का करेंगे उद्घाटन, सूरत एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये उद्घाटन कर दिया गया है, सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का ये दौरा, सूरत एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है। साथ ही अभी सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन भी यहाँ पर पीएम करते हुए नजर आएंगे। देखिये गुजरात के साथ प्रधानमंत्री का अलग लगाव है और आज सूरत का ये जो टर्मिनल है, एयरपोर्ट टर्मिनल भवन, इसका उद्घाटन कर दिया गया। अब इसकी बारीकी से जानकारी यहाँ पर प्रधानमंत्री लेते हुए नजर आ रही हैं। जो भी ऑफिसर्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हवाई अड्डे के बारे में जानकारी दे रही हैं कि किस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, कितनी आधुनिक तरीके से ये लैस है। इन सभी के बारे में अपडेट्स और जानकारियां जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफसरों की ओर से दी गई है। तो ये पूरा टर्मिनल जो है तैयार किया गया है। इसके बाद सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। इसका रोड मैप किस तरीके से तैयार किया गया है, पार्किंग की क्या व्यवस्था रहने वाली है और किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक रहेगा उसे कंट्रोल किया जाएगा, ये सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नया एकीकृत किया गया है और इसी के बारे में जानकारियां जो है अफसरों की तरफ से दी गई और खुद मौका मुआयना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया और देखा गया कि किस तरीके से ये टर्मिनल बनाया गया है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है और पीएम मोदी ने इसे गुजरात वासियों के लिए समर्पित कर दिया है। इसके बाद पीएम जो है, क्योंकि ये डायमंड का हब है सूरत और यहाँ पर डायमंड कारोबारी हैं, उन सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन भी करेंगे। एक बड़ी सौगात जो है व्यापारी वर्ग को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आएंगे और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए भारी संख्या में जो है लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है, खड़े हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच लोगों की भीड़ भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हाथों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता और अन्य लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक पाने के लिए उतारू नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सुरक्षा पूरी तरीके से कड़ी की गई है, पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर और इसी तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी सौगात लेकर गुजरात वासियों के लिए पहुंचे हुए हैं। सूरत एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन यहां पर पीएम की ओर से कर दिया गया है। अब आगे सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे और फिलहाल उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके काफिले के बगल में आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टर्मिनल भवन है उसका उद्घाटन किया और इसे जनता को समर्पित कर दिया है। इसे पूरी तरीके से नई तकनीकों के साथ बनाया गया है। चलिए एक बड़ी खबर दौसा से इस वक्त आ रही है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का बड़ा बयान सामने आया है, प्रतिपक्ष की राजनीति में नहीं है दम। इनके कार्यकाल में 22 बार हुई संसद में सुरक्षा चूक, दर्शक दीर्घा से भी कूदे, संसद के अंदर भी आए, राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेंगे, राजस्थान से कांग्रेस को हो चुकी पूरी तरह डिलीट।
और राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार, सामान्य कार्यकर्ता सीएम बन सकता है। तो ये बड़े बयान जो दिए गए, राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेंगे जसकौर मीणा का ये बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान से कांग्रेस हो चुकी है पूरी तरह डिलीट। अब कांग्रेस तो देखिए डिलीट हो चुकी है। अब तो ये मान के चलो कि देश का हर नागरिक समृद्धि चाहता है और ये मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा नहीं। जिस तरह से मोदी जी के राज में किसान के पास 15 किस्तें आ गई, 30,000 रुपये उनके खाते में आए, एक रुपया भी कट नहीं हुआ, कोई भी कट मनी कहीं नहीं, चाहे नरेगा का पैसा है चाहे किसी भी स्कीम का पैसा है। लेकिन जो झूठी झूठी घोषणाएँ, इतनी झूठी घोषणाएँ कर दी गहलोत जी ने कि वो झूठ के नीचे सारा का सारा काम छुप गया। वर्तमान समय में प्रतिपक्ष जो है वो केवल राजनीति, ऐसी राजनीति करता है जो राजनीति में कहीं दम नहीं है। ये सब पूरी लोकसभा की जिम्मेदारी थी, सभी हम उसमें थे, मैं भी वहीं बैठी हुई थी। स्पीकर ने सबको एक साथ और विश्वास में लेकर के अपना वक्तव्य दिया, लेकिन उनको तो विरोध करना और विरोध के, जबकि उनको पता है कि 22 बार उनके कार्यकाल में ऊपर दर्शक दीर्घा से भी कूदे, अंदर भी आए, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में आ गई हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय में बदलाव किया गया और सरकार ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका सहित 4 IAS अधिकारियों को APO कर दिया है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ताबड़तोड़ बड़े एक्शन ले रहे हैं। शुक्रवार को ही भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया था और शनिवार को पिछली सरकार में CMO के अफसर APO किए गए हैं, जिनमें IAS कुलदीप रांका का नाम शामिल है। कुलदीप पिछली सरकार में सीएम रहे अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव थे। वहीं इसके अलावा सीएम सचिव गौरव गोयल और आरती डोगरा को भी APO किया गया। पिछली सरकार में विशिष्ट सचिव रहे राजन विशाल को भी APO किया गया। ऐसे में पिछली सरकार में CMO रहे 4 अफसरों का APO किया गया है। साथ ही पुराने अफसरों को APO करने के कार्मिक विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए। RAS योगेश कुमार श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का OSD नियुक्त किया गया। तो वहीं पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज पिछले कई दिनों से देव दर्शन यात्रा कर रहे और इस दौरान उन्होंने जैसलमेर के नामी मठ ख्याला मठ म्याजलार पहुंचकर गुरु गोरखनाथ महाराज से आत्मीय मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। मठाधीश गोरखनाथ ने पोखरण विधायक का मुंह मीठा करवाकर ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं दी। इस दौरान संतों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक आया, हम फौरन लौटते हैं।